हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकेंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस एकदम फिक्स है, मतलब ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे ही जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, टाइप ऑफ एक्सटेंशन। आज लास्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का। इसके बाद सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है पावर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियो की, तो इसके बाद मैं इस क्लास को थोड़ा सा ब्रेक करूंगा और जो भी क्लासेस हैं चैप्टर वाइज मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगा। अभी तक हर चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा डिटेल को हम कम करेंगे और क्वेश्चन वाइज हर चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फाइल और फोल्डर होता क्या है। फाइल कंप्यूटर पर एक वस्तु है जिसमें डाटा, सूचना या आदेशों को स्टोर किया जाता है। कोई फाइल होती है, जैसे आप एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे वो आपकी एक फाइल के रूप में सेव हो जाती है। ये आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य प्रारूप की भी फाइल हो सकती है। और इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो इसको पहचानने के लिए एक्सटेंशन का यूज किया जाता है जो एक डॉट से शुरू होता है। इस एक्सटेंशन के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जो फाइल है वह किस प्रकार की है या फिर किस एप्लीकेशन से संबंधित यह फाइल है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर में अनेक फाइल एक्सटेंशन और फाइल प्रकार का उपयोग किया जाता है। नीचे कुछ प्रमुख फाइल के प्रकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग अक्सर कंप्यूटर में होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आपको मैं बहुत सारे फाइल के एक्सटेंशन बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पेंट। पेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bmp या .gng। वही बात करें नोटपैड, जो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। आप एक कॉपी पे जरूर नोट करिएगा क्योंकि इंसुलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वही बात करें वर्डपैड की, तो वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .rtf। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल। वही बात करें एमएस वर्ड, तो .doc। ये ओल्ड वर्जन एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। वही बात करें अगर लेटेस्ट ऑफिस के एक्सटेंशन का 2016 की, तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। ऐसे ही एमएस पावर पॉइंट .ppt और वही लेटेस्ट में .pptx। अगर क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन क्या होता है, तो पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट्स .pps। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वही बात करें स्प्रेडशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल की, तो इसका एक्सटेंशन है .xls और लेटेस्ट वर्जन का एक्सटेंशन है .xlsx। एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन है .mdb। वही डाटाबेस फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .dbf। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। ये भी वर्ड प्रोसेसर से ही संबंधित है और इसका एक्सटेंशन होता है .wps। नेक्स्ट है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका एक्सटेंशन होता है .odt। अगर डाटा फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा .dat। अगर वो है फ्लैश वीडियो फाइल तो इसका एक्सटेंशन होगा .flv। आगे बात करते हैं ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है .avi। कंसोलिडेटेड यूनिक्स फाइल अचीव, इसका एक्सटेंशन होता है .tar।
क्वेश्चन भी आता है ये कॉन्सोलिडेटेड यूनिक्स फाइल आर्काइव का एक्सटेंशन क्या है, तो उसका फाइल फॉर्मेट जो है वो है .tar। XML फाइल जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन है .xml, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत आता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन है .html। स्टूडेंट्स इन सभी एक्सटेंशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ एक्सटेंशन आपके सामने ऐसे हैं जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे, लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट है टेम्परेरी फाइल। इसका जो फाइल फॉर्मेट है एक्सटेंशन होता है वो है .tmp। नेक्स्ट है एक्टिव सर्वर पेज। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्टिव सर्वर पेज का एक्सटेंशन होता है .asp। अगर वही बात करें बैकअप फाइल की, तो बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है .bak। नेक्स्ट है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, CSS यूज करते हैं और इसका एक्सटेंशन क्या होता है .css। वही .rtf है तो इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं। अब हम इमेज फाइल एक्सटेंशन या फिर ऑडियो वीडियो फाइल एक्सटेंशन इनके बारे में देखते हैं। इमेज के कई सारे प्रारूप होते हैं और उन सभी का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। यहां पे पहला है .bmp फाइल, ये होता है बिटमैप इमेज। .gif, gif इमेज। देखते हैं आप व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ 2-4-6 सेकेंड का वीडियो शेयर करते हैं जो बिना आवाज के होता है, उसे हम बोलते हैं gif जिफ वीडियो। आइकन फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .ico। वहीं jpeg का एक्सटेंशन होता है .jpeg या .jpg। वहीं png इमेज का एक्सटेंशन होता है .png। नेक्स्ट है आगे ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। तो ऑडियो के भी कई सारे प्रारूप होते हैं। अगर mp3 ऑडियो फाइल पूछता है तो उसका एक्सटेंशन है .mp3। वहीं midi ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन पूछता है आपके एग्जाम में तो उसका एक्सटेंशन होता है .mid और .midi। अगर ये पूछता है विंडोज मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट जो होती है उसकी, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो विंडोज मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट का एक्सटेंशन होता है .wpl। वही वेब फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका एक्सटेंशन होता है .wav। आप फोन में रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो रिकॉर्ड होके फाइल मिलती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, आप उसे जरूर नोट करिएगा, यहां पे मैं राइट करना भूल गया हूं, उसका एक्सटेंशन होता है .ame। रिकॉर्डिंग फाइल का एक्सटेंशन होता है .ame। वहीं अगर mp2 ऑडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन है .mpa। अब बात करते हैं आगे कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन। आप जिप का यूज करते हैं तो ये कंप्रेस्ड फाइल होती क्या, कई फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी होती हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है और ये कई सारी फाइलें जो हैं वो हमारी मेमोरी को फिल कर देती है, उसमें स्पेस नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके स्पेस को कम करने के लिए हम उसे कंप्रेस करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। इसमें से डार्ट जिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होता है जिप कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन। वहीं कई बार एग्जाम में पूछाता है .7z कैसा कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन है, तो ये 7zip कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन होता है। वहीं .rar रेयर फाइल का एक्सटेंशन है और .z कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब बात करते हैं एक्सक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन। .bat ये होता है बैच फाइल का एक्सटेंशन। वही बात करें बाइनरी फाइल का तो उसका एक्सटेंशन होता है .bin। इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रॉइड पैकेज फाइल, ये एक्सटेंशन होता है .apk और ms-dos कमांड फाइल
इसका एक्सटेंशन अगर पूछता है तो इसका एक्सटेंशन है डॉट कॉम, वही एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट exe। तो ये थी इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन जो हर बार आपके एग्जाम में आती है, आप इन्हें जरूर नोट करिएगा। अब बात करते हैं फाइल एंड फोल्डर की। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको कई सारी फाइलें दिख रही हैं और इसमें कुछ फोल्डर भी आपको दिख रहे हैं। पहले देखते हैं कि फोल्डर हम कैसे बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो बगल में एक ऑप्शन आता है फोल्डर का, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे अभी देखिए न्यू फोल्डर जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइट है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर। तो यहां पे एक फोल्डर हो गया और फोल्डर का नेम हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर अगर आपको कोई फाइल रखनी है तो यहां से आप डायरेक्टली भी इसे मूव करके यहां पे रख सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई फाइल है उसको आप इसमें रखना चाहते हैं कट करके या कॉपी करके, तो उस तरीके से भी यहां पे आप फाइल को रख सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने फाइल रख दी, आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहां फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है तो आप फोल्डर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, यहां से आप फोल्डर को डिलीट कर सकते। मान लीजिए आपको इस फोल्डर को रीनेम करना है, एक नया नाम देना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम के ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी नेम यहां पर आपको देना है वो नेम यहां पे आप दे सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे तो उस नेम से ये फोल्डर आपका सेव हो जाएगा। जो भी फाइल इसके अंदर मूव करनी है आप मूव कर सकते हैं, या इसके अंदर जो भी फाइल है उस फाइल को अगर आपको इससे बाहर करना है तो उसे भी आप सेलेक्ट करके ऐसे यहां डेस्कटॉप पे मूव कर सकते हैं। कोई फाइल या फोल्डर यहां से कट करना है तो उसके लिए आप यहां राइट क्लिक करेंगे और कट पे क्लिक करके जहां आपको पेस्ट करना है वह आप पेस्ट कर सकते हैं। इस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि क्या फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर बना सकते हैं और एक फोल्डर के अंदर आप कई सारे फाइलें रख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक फोल्डर में 100 से अधिक फोल्डर या फाइल नहीं रख सकते, तो बिल्कुल गलत है, आप रख सकते हैं लेकिन अगर आपके सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा फाइल या फोल्डर नहीं रख सकते हैं। मतलब फोल्डर के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर आपको रखनी है वो डिपेंड करती है आपकी सिस्टम की स्टोरेज के ऊपर। तो आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है वो आप हमसे जरूर पूछिएगा। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आंसर उस अकॉर्डिंग देना है जैसे आपके ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शंस में प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका ने जो 2018 में कंप्यूटर बनाया है वो नहीं है तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर देना होगा, और जो क्वेश्चन था उसमें राइट आंसर था T3A तो वही सबसे तेज कंप्यूटर माना जाएगा। वही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर में, तो भारत का जो पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो फ्लो सॉल्वर ही है। परम सीरीज के निर्माण से पहले फ्लो सॉल्वर का निर्माण हुआ था, लेकिन आप किताबों में देखते हैं तो आपको अधिकाधिक परम 8000 को ही पहला सुपर कंप्यूटर माना गया है। तो पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 भी माना जा सकता है, लेकिन फ्लो सॉल्वर का निर्माण परम 8000 से पहले ही हुआ था, इसलिए फ्लो सॉल्वर ही पहला सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आई हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।